एमसीक्यू 12 ये ब्लास्टिंग चैप्टर से रेगुलेशन से हम एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग के चैप्टर जो टेक्नोलॉजी में है उससे भी भेजेंगे, ठीक है। अभी इतना है, इतना ही बोर्ड पे लिखा था, उसके बाद फिर इसी रेगुलेशन से भेजेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। डेंजर जोन इन ब्लास्टिंग इन ओसीएम ओपन कास्ट माइंड में डेंजर जोन कितना होता है स्टेचुटरी, पहले इतना हुआ करता था, लेकिन जो सीएमआर 2017 आया उसमें ये चेंज हो गया, अब कितना है 500 मीटर, जिसमें टिक किया दैट इज द करेक्ट आंसर। ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग में डेंजर जोन कितना लेते हैं 500 मीटर रेडियली लेते हैं, रेडियस लेते हैं, क्या लेंगे रेडियस में, जहां से ब्लास्टिंग हो रहा है उसके पूरा ऐसा सर्कल में, ठीक है। रेडियस कितना रहेगा 500 मीटर का। इन वन केस और कंटेनर एक्सप्लोसिव सेल बी कैरीड एट ए टाइम, यहां तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। ये केस कंटेनर किसको बोलते हैं, अंडरग्राउंड माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में जो बक्सा में बारूद भर के जाके उसको केस या कंटेनर बोलते हैं। तो एक समय पर उस बक्सा में कितना बारूद रहेगा, 10 केजी, 5 केजी, 15 केजी, कितना रहेगा, सही आंसर है 5 केजी, ठीक है। हम ये थर्ड को बताने के पहले हम कुछ चीजें बोलना चाह रहे हैं, हम जब भी अंडरग्राउंड में ब्लास्टिंग करते हैं तो हमारे लिए स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट है कि होल की चार्जिंग के पहले और चार्जिंग के बाद हम इनफ्लेमेबल गैस का जांच करते हैं, ठीक है, वही यहां पे लिखा है। तो कितना जहां ब्लास्टिंग प्लेस है उसके कितने रेडियस में चेक करना है, 8 मीटर रेडियस में, 10 मीटर रेडियस में या 18 मीटर रेडियस में, कितना सही आंसर क्या है 18 मीटर, क्या आंसर है सही 18 मीटर। डिले डिटोनेटर शैल बी यूज्ड इन अंडरग्राउंड कोल माइन विद द परमिशन ऑफ, डिले डिटोनेटर को हम डायरेक्ट अंडरग्राउंड माइंस में यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हमको परमिशन लेना होता है। तो किससे लेंगे, आरआईएम से, सीआईएम से, डीडीएमएस से, ठीक है, किससे लेंगे, करेक्ट आंसर है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से, ठीक है, जिसमें डबल राइट लगा है दैट इज द सही आंसर। और आपको एक और चीज इसमें बता दें, हम डिटोनेटर का बहुत सारा वीडियो भेजे हैं, डिले डिटोनेटर, प्लेन डिटोनेटर और डिटोनेटर डिस्क्रिप्शन, उसमें बताया है कि अंडरग्राउंड कोल माइंस में सिर्फ कॉपर ट्यूब डिले डिटोनेटर, कॉपर ट्यूब डिटोनेटर ही इस्तेमाल करना है, और क्यों करना है उसका वहां पे हम रीजन बताए हैं, ठीक है। थैंक यू। इसी का नेक्स्ट कड़ी 13 में रहेगा, इसके बाद हम 13 में इसी को कंटिन्यू करेंगे।